हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आज की क्लास में। देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? देखिए राइबोसोम जो होता है ये आपकी सेल के अंदर पाया जाने वाला एक नॉन मेम्ब्रेनस नस पार्टिकल है। ठीक, यानी कि राइबोसोम सेल के अंदर पाए जाने वाला एक नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल है। मेम्ब्रेनस का नॉन मेम्ब्रेनस का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी पार्ट जिसके चारों ओर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती उसे हम लोग नॉन मेम्ब्रेनस कहते हैं। आपने देखा था माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्म, जो रेटिकुलम थे उनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती थी, है ना। जैसे माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन थी जिसे हम लोगों ने आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन देखा था, बट इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल कहते हैं। इसकी खोज आपकी 1953 में साइंटिस्ट थे आपके रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ठीक, ये वैज्ञानिक थे 1953 में, यानी कि 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने आपकी इस राइबोसोम की इन्होंने खोज की। सेम की जो रूट होती है यानी सेम की जड़ जो होती है उसमें इन्होंने क्या क्या इसकी खोज की। उसके बाद पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने 1955 में आपके साइंटिस्ट और पैलाडे, ठीक दिख रहा है को, पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने इसे एनिमल सेल्स में इसकी क्या की खोज की। ऐसे में तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है कि राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेनस पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जिसकी खोज 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सेम की जड़ों में की, और उसके बाद 1955 में पैलाडे नामक साइंटिस्ट ने एनिमल सेल में इसकी खोज की। ठीक है, अगर हम लोग उपस्थिति की बात करते हैं किस सेल में ये पाए जाते हैं और किस सेल में नहीं पाए जाते हैं, तो जो दोनों प्रकार की जो सेल्स होती हैं यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती है, दोनों प्रकार की सेल्स में राइबोसोम प्रेजेंट्स होती हैं। याद रखना कि जो दोनों तरह की सेल्स होती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या फिर यूकैरियोटिक सेल्स हो, दोनों प्रकार की सेल्स में राइबोसोम जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है ना, आप देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स और क्या यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उस प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होती है उस साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली क्या होते हैं आपके उसमें डिजॉल्व होते हैं या फिर उसमें पाए जाते हैं, कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया का साइनोबैक्टीरिया की जो सेल्स थी, माइक्रोप्लाज्मा की जो सेल्स थी, है ना, ये आपने देखा था यही तो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं, है ना। इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाई जाती है यानी कि आरंभिक केंद्र पाई जाती है, न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, ये आपने सीखा था, मैंने पुनः बता दिया आपको कि ऐसी सेल्स जिसके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और कुछ कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, माइटोकांड्रिया, गॉल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपके क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। तो उसमें जो राइबोसोम होती है वो राइबोसोम उसके जो प्रोटोप्लाज्म होती है या फिर साइटोप्लाज्म होती है उस साइटोप्लाज्म में ही विलीन होती है, जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है यूकैरियोटिक सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होती है उसमें भी राइबोसोम पाई जाती है। इसके अलावा जो आपके ईआर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं उसकी मेम्ब्रेन पर भी आपने ये देखा था, है ना, आरईआर जो था रफ है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम था उस पर आपके राइबोसोम के पार्टिकल जो थे वो पाए जा रहे थे, वो भी आपने देखा था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें उस पर भी पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर भी। तो ये जो चीजें हैं ये आपने देखा कि राइबोसोम अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम दो तरह के होते हैं, एक जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ, अगर हम लोग राइबोसोम की बात करते हैं टाइप्स ऑफ राइबोसोम की, राइबोसोम के प्रकार की बात करते हैं तो दो तरह की ये होते हैं, एक जो होती है वो 70S राइबोसोम और दूसरी जो होती है 80S राइबोसोम। दो तरह की राइबोसोम होती है, एक 70S राइबोसोम और दूसरी जो होती है 80S राइबोसोम। और यस मीन जो होती है यहाँ पर एक है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक, यस मीन स्वेडबर्ग यूनिट होती है। ठीक है, साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम से ही इसका नाम रखा गया है यस, यानी कि 70S का मतलब है 70 स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक, ये यस यानी कि 80S आपके राइबोसोम, दो तरह के राइबोसोम होते हैं। ठीक, 70S जो राइबोसोम होते हैं वो आपने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उस प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके 70S, किसमें प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें प्रोक
प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके लिए क्या है 70 एस राइबोसोम पाए जा रहे हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल है उस यूकैरियोटिक सेल्स में आपके कैरियोटिक सेल, ठीक, यूकैरियोटिक जो सेल्स है उसमें आपके 80 एस राइबोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा था कि जो हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं यानी कि प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं और जो माइटोकांड्रिया होती है उसमें भी आपके राइबोसोम पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, 70 एस राइबोसोम उसमें भी दिखते हैं। तो देखिए ये दो तरह के राइबोसोम मैंने दिखाया है आपके, 70S और 80S राइबोसोम। यस मीन स्वेडबर्ग यूनिट एक साइंटिस्ट है उनके नाम से ही इसकी इसका मात्रक रखा गया है 70S और 80S। देखिए राइबोसोम जो होते हैं 70S जो राइबोसोम होती है ये अवसादन गुणांक के आधार पर इनका नाम रखा जाता है, ठीक है, यानी कि जो उसकी डेंसिटी होती है किसी चीज की डेंसिटी और उसकी जो साइज होती है उस साइज के आधार पर उसका जो गुणांक होता है उस गुणांक को ही हम लोग क्या कहते हैं अवसादन गुणांक कहते हैं, ठीक है ना। तो जो 70S राइबोसोम होता है, आइए देखते हैं हम लोग 70S राइबोसोम जो होता है, पहले तो हम लोग जान लेते हैं इसकी जो भी राइबोसोम होती है ये राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बनी होती है, राइबोसोम दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है, एक जो पदार्थ होती है प्रोटीन, ध्यान रखना प्रोटीन प्लस आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए का मतलब यहां पर है कि राइबोसोमल आरएनए, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसकी केमिकल कंपोजिशन है यानी कि रासायनिक केमिकल कंपोजिशन है यानी कि रासायनिक संगठन है, ये दोनों चीज आपकी पाई जाती है, ठीक है। राइबोसोम किससे बने हुए हैं, प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन से और प्लस आर आर एन ए, यानी कि आर आर एन ए की जो मतलब होती है यहाँ पर राइबोसोमल, राइबोसोमल आर एन ए, ठीक, यानी कि राइबोसोम में जो आर एन ए पार्टिसिपेट करती है भाग लेती है उसे हम लोग क्या कहते हैं राइबोसोमल आर एन ए कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ही क्या है आर आर एन ए किससे बने होते हैं राइबोसोम, सभी को समझ में आया कि राइबोसोम किससे बने होते हैं, दो पदार्थों से, एक प्रोटीन प्लस आरआरएनए से बने होते हैं, ठीक है। देखिए जो 70S राइबोसोम होते हैं हमने कहा है इसकी अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम में आपके दो पार्ट पाए जाते हैं, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट, जैसे एक हम लोग स्मॉल यूनिट और दूसरे की लार्ज यूनिट कहते हैं। तो राइबोसोम जो होती है वो राइबोसोम में दो पार्ट हमको दिखते हैं, एक छोटा पार्ट दिखता है 70S राइबोसोम में छोटा पार्ट और एक जो दिखता है हमको क्या बड़ा पार्ट, जो राइबोसोम में छोटा पार्ट दिखता है उस छोटे पार्ट को हम लोग 30S राइबोसोम कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं 50S राइबोसोम, क्या कहते हैं बड़े वाले पार्ट को हम लोग 50S राइबोसोम कहते हैं, ठीक, यानी कि 70S राइबोसोम जो होते हैं, ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, दो यूनिटों से, दो सब यूनिटों से मिलकर बनी होती है, ध्यान देना कि 70S राइबोसोम जो है वो दो यूनिटों से मिलकर बनी होती है, ठीक, टू सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, एक लार्ज यूनिट, ठीक, ये जो होती है लार्ज सब यूनिट और दूसरी होती है स्मॉल सब यूनिट। देखिए एक जो है वो आपके छोटी इकाई है और दूसरी जो है बड़ी बड़ी इकाई है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50S टाइप 50S होती है और जो स्मॉल यूनिट होती है वो 30S होती है, ठीक है ना। दोनों यूनिट जो होते हैं एक आयन के माध्यम से क्या आयन जुड़े होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं मैग्नीशियम आयन, ठीक, यानी कि जो मैग्नीशियम आयन होती है उस मैग्नीशियम आयन द्वारा ये दोनों क्या है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। 70S राइबोसोम में दो यूनिट स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट 50S होती है, स्मॉल जो यूनिट होती है वो 70S होती है, दोनों यूनिट एक आयन के द्वारा जुड़ी होती है मैग्नीशियम आयन के द्वारा, ठीक है ना। तो इसको क्या किया ज्ञात करने के लिए एक यंत्र होते हैं, ठीक, उस यंत्र में जब इसको डाला जाता है तो मैग्नीशियम आयन को कम किया जाता है तो तेजी से उसको घुमाया जाता है, तो उसमें जो होता है एक जो होती है एक जो पार्ट मैग्नीशियम आयन कम हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम होगी तो दोनों दोनों अलग हो जाते हैं,
एक जो होगा वो 50 पर जाके बैठेगा और दूसरा जो होगा 30 पर बैठेगा। जो 30 वाले स्थान पर बैठेगा उसे हम लोग 30S राइबोसोम, जो 50 वाले स्थान पर बैठेगा उसे हम लोग 50S राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर 80 होते हैं, बट हम लोग इसको क्या करते हैं, मैथमेटिकली नहीं जोड़ते हैं, यानी कि जो गणितीय रूप है उस गणितीय रूप में हम इसको नहीं मानते हैं। ठीक है, इसके औसतन गुणांक के आधार पर ये आपके 30S एंड 50S राइबोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो आपके ATS राइबोसोम होते हैं। क्या? ATS राइबोसोम, ATS राइबोसोम। देखिए ATS राइबोसोम जो होती है इसमें भी दो यूनिट होती है, एक लार्ज यूनिट एक स्मॉल यूनिट होती है। जो इसकी स्मॉल यूनिट होती है वो स्मॉल यूनिट आपके इस तरह हम दिखा सकते हैं थोड़ा बड़ा, जो स्मॉल यूनिट होती है वो 40S राइबोसोम इसकी होती है, 40S सब यूनिट, और जो लार्ज यूनिट होती है वो 60S सब यूनिट। देखिए इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ये क्या है, ये आपके 70S है और ये 80S राइबोसोम। ये क्या है, स्ट्रक्चर है। हमने कहा कि इसको मैथमेटिकली नहीं लेंगे हम लोग, यानी कि जो गणितीय रूप है उस गणितीय रूप में हम लोग इसको नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि औसादन गुणांक जब देखा जाता है एक यंत्र होती है उस यंत्र में डाला जाता है, और क्योंकि दोनों जो यूनिट होती है वो मैग्नीशियम के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। जब मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन को कम किया जाएगा, मैग्नीशियम आयन की कंसेंट्रेशन को कम किया जाएगा, तो दोनों यूनिट जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर एक तरह के यंत्र में इसको डालकर घुमाया जाता है, तो एक जो पार्ट होता है वो 40S पार्ट पर जाके बैठता है, 40 पर बैठता है, और दूसरा जो है वो 60 पर बैठता है। उसी आधार पर इनकी क्या होती है, नाम रखी जाती है। जो 40 पर बैठता है उसे 70S, 40 पर जो बैठता है सॉरी उसे 40S, और जो 60 पर बैठता है उसे हम लोग 60S कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, उसके औसतन गुणांक के आधार पर उसका नाम पड़ा हुआ। तो ये टू टाइप्स के राइबोसोम 70S एंड 80S राइबोसोम होते हैं। अब इसके हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन होती है इसकी राइबोसोम की। देखिए हमारी सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स की रिक्वायर होती है, यानी कि डिफरेंट टाइप की प्रोटीन की जरूरत होती है सेल के अंदर, या हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप की प्रोटीन की रिक्वायर होती है। फंक्शन देखते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ राइबोसोम ध्यान देना कि हमारी जो शरीर होती है उस शरीर को या फिर सेल्स को बहुत सारे प्रोटीन की रिक्वायर होती है, अलग अलग तरह की प्रोटीन की जरूरत होती है। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है, चाहे वो माइटोकांड्रियल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो आपके गॉल्जीकाय की मेम्ब्रेन हो, ठीक है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, इनको बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। यानी प्रोटीन आएगा तभी न्यू सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन पाएंगी, या फिर और आर्गन की मेम्ब्रेन बन पाएंगी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो भी क्या है, प्रोटीन के बने होते हैं। बहुत सारी एंटीबॉडी जो बॉडी में बनती है वो भी प्रोटीन की होती है, है ना। ऐसे में कुछ हार्मोन जो है वो भी प्रोटीनस हार्मोन होते हैं। तो प्रोटीन जो है उस प्रोटीन की अलग अलग रूपों में हमारे बॉडी में उसकी महत्व है, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे पास क्या होती है, राइबोसोम होती है। ठीक है, तो राइबोसोम जो होती है प्रोटीन बनाने के लिए एक वर्क बेंच का काम करती है, मतलब एक कार्यस्थल देती है, एक ऐसा स्थान प्रोवाइड करती है जहां पर mRNA tRNA, ठीक है, mRNA tRNA की हेल्प से आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो राइबोसोम होती है, ठीक है, राइबोसोम को मैंने कहा क्या, ये आपकी एक वर्क बेंच का काम करती है, एक कार्यस्थल का काम करती है। उस कार्य का मतलब, कार्यस्थल का मतलब ये चीज है कि ऐसे स्थान जहां पर कोई कार्य होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्क बेंचेज कहेंगे, कार्यस्थल कहेंगे। तो ये ऐसे स्थान प्रोवाइड करते हैं जहां पर mRNA tRNA आदि के माध्यम से उस वहां पर प्रोटीन फॉर्मेशन की जाएगी। तो इसी कारण राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। किसको, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है कि प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये थी राइबोसोम की नॉलेज। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैंने इसको पढ़ाया हुआ, क्योंकि 9th में बहुत ज्यादा आपको बहुत विस्तृत नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैंने इसको कम से कम समय में पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो राइबोसोम की क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्रोटीन बनाती है सेल से अंदर आकर।
एक स्थान प्रोवाइड करती है जहां पर प्रोटीन आपके बन सके, इसीलिए इसे हम लोग प्रोटीन प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो थी इसकी नॉलेज आपको बेहतर लगी होगी। आप वीडियो को देखते रहिए, किस तरह की कोई समस्या आपको नजर आती है या फिर आप में किस तरह की कोई प्रश्न बनती है तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।